नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। नई दिल्ली पिछले साल मई के महीने में निपा वायरस की चपेट में आने से केरल में 13 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग इससे गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। अब एक बार फिर केरल में एक युवक को निपा होने की बात सामने आई है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। निपा वायरस स्वाभाविक रूप से कुछ जरूरी जानवरों से मनुष्यों तक फैलती है। यह रोग 2001 में और फिर 2007 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी सामने आया था। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि केरल के बाहर के लोगों को केवल तभी सावधान रहना चाहिए जब वे प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हो या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हो। ऐसे में कुछ आसान उपाय अपनाकर निपाह वायरस से बचा जा सकता है। निपाह वायरस से ऐसे बच सकते हैं आप। निपाह संक्रमण के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं। हॉट केयर फाउंडेशन HCFI के अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, क्लिनिकल तौर पर देखें तो निपाह वायरस के संक्रमण के लक्षणों की शुरुआत इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम से होती है, जिसमें बुखार, सिरदर्द, म्यालगिया की अचानक शुरुआत, उल्टी, सूजन, विचलित होना और मानसिक भ्रम शामिल है। संक्रमित व्यक्ति 24 से 48 घंटों के भीतर कोमा में जा सकता है। निपाह इंसेफलाइटिस की मृत्यु दर 9 से 75% तक है। निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई प्रभावी उपचार नहीं है। उपचार का मुख्य आधार बुखार और तंत्रिका संबंधी लक्षणों के प्रबंधन पर केंद्रित है। संक्रमण नियंत्रण उपाय महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तिगत रूप से यह ट्रांसमिशन से हो सकता है। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को गहन देखभाल की आवश्यकता है। क्या है निपाह वायरस? बीमारी से बचने के लिए जरूरी सुझाव। सुनिश्चित करें कि आप जो खाना खाते हैं वह चमगादड़ या उनके मल से दूषित न हो। चमगादड़ या किसी भी पक्षी या जानवर के कुतरे फलों को खाने से बचें। ताड़ के पेड़ के पास खुले कंटेनर में बनी शराब पीने से बचें। बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं। शौचालय के बाल्टी और मग को अच्छी तरह से साफ करें। रोगी के लिए उपयोग किए जाने वाले कपड़े, बर्तन और सामान को अलग से साफ करें।